आज तो बहुत अच्छा था। बेंगलुरु नगर में हमारा जो पदयात्रा थी बहुत अच्छी थी, लोग जुड़ रहे थे और सब लोग अपना मन बना चुके हैं पूरे अपना जुबली एरिया में और पूरे सिकंदराबाद एरिया में कि कांग्रेस को ही वोट डालेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, हमारे कैंडिडेट दानम नागेंद्र साहब को जिताएंगे और हमारे रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब के नेतृत्व में हम पूरा अच्छा काम करेंगे और उनके हाथ मजबूत करेंगे। सीएम के साहब के अगर हाथ मजबूत होंगे तो राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, फिर प्रियंका जी के हाथ मजबूत होंगे और सोनिया मैडम के हाथ मजबूत होंगे, फिर जाके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के हाथ में, जब पूरे लीडर्स के जब हाथ अच्छा मजबूत होंगे तो मेरे ख्याल में कंट्री आगे बढ़ेगी, क्योंकि कंट्री बहुत काफ़ी पीछे जा चुकी है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसा कोई डेवलपमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बट लोग जो गरीब लोग हैं उससे गरीब से और गरीब हो गए, जो अमीर लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं बैलेंस होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी जो 55 साल से थी, वो जो भी आज देख रहे हैं आप, जो डेवलपमेंट हुआ है आज, जितने भी चीज़ें हुए वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। अगर कोई कह रहा है कि अगर के कांग्रेस पार्टी फैमिली पार्टी है, बिल्कुल सरासर झूठ है। कांग्रेस पार्टी ने ही बहुत सैक्रीफाइसेस दी, जो फैमिली जो सैक्रीफाइस दी, जो इंदिरा गांधी मैडम और राजीव गांधी जो मैडम जो सैक्रीफाइस दी इंडिया के लिए, वो कोई भी कभी भी भूल नहीं सकते। और उनके जो ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू साहब, महात्मा गांधी जी और इतने जो अबुल कलाम आज़ाद साहब जो जो काम किए हैं उस दिन इंडिपेंडेंस के लिए, हम कभी भूल नहीं सकते। पहले तो एक ही पार्टी होती थी, कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसे गलत चीज़ें बोलना से कुछ होता नहीं, बट लेकिन अब दूसरी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसी वजह से अब ब्लेम कर रहे हैं, या तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं या नहीं तो रिलीजियस पे जा रहे हैं।